महादेव जी कहते हैं कि खतरा हमेशा उन लोगों पर मंडराता रहता है जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि शैतान कभी भी बुरे लोगों के साथ बुरा नहीं करता है। वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा करने के बारे में सोचता रहता है, लेकिन महादेव जी हमेशा उनके साथ होते हैं जिनका दिल बहुत सच्चा होता है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो जो तुम्हें शाप देते हैं, उन्हें आशीष दो जो तुमसे बैर रखते हैं, उनके साथ भलाई करो, और जो तुमसे द्वेष करते और सताते हो उनके लिए पूजा करो। मेरी कृपा किसी भी खतरे के विरुद्ध पर्याप्त है और तुम्हें मुसीबत को साहसपूर्वक सहन करने में सक्षम बनाती है, क्योंकि मेरी शक्ति और शक्ति सिद्धा हो जाती है और निर्बलता में अधिक प्रभावशाली दिखाई देती है। महादेव जी, कृपया आज मेरे परिवार के चारों ओर एक ढाल बना दें। कृपया उन्हें अपने प्यार और सुरक्षा से लपेट लें। महादेव जी के नाम पर तथास्तु। यदि आप प्रभु महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को न छोड़ें, क्योंकि वे तुम्हें रोते हुए देखना चाहते हैं और आर्थिक सहायता के लिए उनके पास जाना चाहते हैं। जो लोग आपके साथ विश्वासघात करते हैं उन्हें हमेशा आपके साथ विश्वासघात करने का पछतावा रहेगा। उन्हें आपको धोखा देने पर पछतावा होगा, क्योंकि भगवान आपके जीवन के बारे में सब कुछ बदल रहा है। महादेव जी आपको समृद्ध कर रहे हैं, भगवान आपको दूसरे आयाम में ले जा रहे हैं। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, मैंने देखा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, ये गलत था, ये बुरा था, लेकिन खुद बदला मत लो। तुम्हारे पास राज्य में करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है, उनके लिए पूजा करें, क्योंकि प्रतिशोध मेरा है और मैं उन्हें बदला चुकाऊंगा। मैं किसी को भी बिना परिणाम के मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं देता। आराम से बैठें, उन्हें प्यार करें, उनके लिए कुछ और पूजा करें और मुझे अपने तरीके से और अपने समय में काम करते हुए देखो। महादेव जी कहते हैं, कभी मत भूलना मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी, पहाड़ों की चोटियों पर और घाटियों में, खुशी में और आंसुओं में, आशीषों में और परीक्षाओं में। आप जिस भी दौर से गुजर रहे हैं मैं वही आपके बगल में हूँ। महादेव जी आप ही तुम्हारे आगे आगे चलते हैं और तुम्हारे संग रहेगा, वो तुम्हें कभी न छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। डरो नहीं, हतोत्साहित मत हो। महादेव जी कहते हैं, आप पूजा में जो भी मांगें विश्वास करें कि आपको वह मिल गया है और वह आपका हो जाएगा। आस्था और विश्वास की शक्ति एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे जीवन को गहन और चमत्कारी तरीकों से बदलने में सक्षम है। तो आइए हम विश्वास और भरोसा रखें कि हमारी पूजा का उत्तर दिया जाएगा और हमारे दिल की इच्छाएं हमारे जीवन में प्रकट होंगी। जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो आशा का महादेव जी आपको सभी आनंद और शांति से भर दे, ताकि आप पवित्र आत्मा की शक्ति से आशा से भर सकें। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टिप्पणी करें। चार बातें जो महादेव जी चाहते हैं कि आप इस मंगलवार को जानें। एक, महादेव जी दरवाजे खोलने जा रहे हैं, विकर्षणों को रोकेंगे, आपके दिमाग को नवीनीकृत करेंगे और आपको आपकी शांति वापस देंगे। दो, महादेव जी के पास पहले से ही आपको उस स्थान से बाहर निकालने की योजना है जिसमें आप हैं। आप अपने चमत्कार से पहले छोड़ने की हिम्मत न करें। तीन, आप ठीक हो जाएंगे, आप वापस उछलेंगे, बेहतर दिन आ रहे हैं, आशीर्वाद आपके पास आ रहा है, भगवान कुछ अविश्वसनीय करने पर निर्भर है। चार, इस सप्ताह आप जो कुछ भी छुएंगे वो समृद्ध होगा, आप अपने सर्वोत्तम दिनों में कदम रख रहे हैं। और प्रभु महादेव जी ने कहा, ये स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारे साथ किसी प्रकार का चमत्कार घटित होगा। इस सप्ताह आप कुछ ऐसा प्रकट करेंगे जिसका आप इंतजार कर रहे थे। प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। इसे प्राप्त करने के लिए हाँ टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, क्या आप अपने दिल पर बोझ महसूस करते हैं या निराश महसूस करते हैं? जब तुम नहीं जानते कि क्या करना है तो मुझसे पूजा करो।
मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भरपूर जीवन का आशीर्वाद दूंगा। प्रभु महादेव जी की कृपा आप पर है। जैसे ही आप उससे चिपके रहते हैं, वो चमत्कारिक ढंग से आपको आपकी स्थितियों से मुक्ति दिलाने और आपको आपके जीवन में ऊपर उठाने में सक्षम होता है। भाग्यशाली संख्या 333 आशीर्वाद, प्रचुरता, प्रेम, उपचारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि अभी आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। क्या आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं, तो 333 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी सफलता के कगार पर हैं। आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे। भाग्यशाली संख्या 999 अगले 3 दिन अद्भुत आशीर्वादों, खुले दरवाजों, स्वस्थ शरीरों, नए अनुबंधों, अति प्रवाह और उस अनुग्रह से भरे होंगे जो हमने पहले कभी नहीं देखा। यदि आप विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे प्रयास देखे। मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा दर्द जानता हूँ। मुझे पता है कि आप अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन कृपया यह न भूलें कि मैं आपके साथ हूँ। आप जो लोग अपनी चिंताएं मेरे चरणों में समर्पित कर देते हैं, उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन ये जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मैं आप पर और आपके परिवार पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, अब आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें, ताकि आप आने वाली हर चीज के लिए आभारी हो सकें और आशीर्वाद उनके रास्ते में आ रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। याद रखें, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। महादेव जी, आपके आराम और शांति के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे अपने वचन के माध्यम से दिया है। मुझे अतीत के मेरे सभी दर्द और चिंताओं से ठीक करो, और मैं पूजा करता हूँ कि मैं आपके बुलावे को सुनना और उसका पालन करना सीखूँगा। जीवन, आपके सामने आने वाली चुनौतियों से डरो मत, क्योंकि मैं उनसे उबरने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। मुझ पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि सब कुछ आपके सर्वोत्तम हित के लिए काम करेगा। आपने अतीत में दर्द का अनुभव किया होगा, आंसू बहाए होंगे, लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से आपको आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। विश्वास के साथ दावा करने के लिए हाँ टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में कई ऐसी खुशियाँ हैं जिन्हें आप अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अपने जीवन पर विचार करें। आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपके पास कितने आशीर्वाद हैं, क्योंकि महादेव जी ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता कैलाश पर्वत दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप कहते हैं, मैंने बहुत गड़बड़ कर दी। महादेव जी कहते हैं, आपकी गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती। आप कहते हैं, मैं अकेला महसूस करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। आप कहते हैं, यह असंभव है। महादेव जी कहते हैं, सभी चीजें संभव हैं। आप कहते हैं, मैं सदैव चिंतित और निराश रहता हूँ। महादेव जी कहते हैं, अपनी चिंता मुझ पर डाल दो। कभी कभी हमें ये याद रखना होगा कि हमारे पिता ब्रह्मांड के राजा हैं, हमें डरने की कोई बात नहीं है। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हाँ टाइप करें। जीवन के एक खूबसूरत बगीचे की कल्पना करें, जहाँ खुशी के फूल, हंसी की पत्तियाँ और प्यार और आशीर्वाद के फल प्रचुर मात्रा में उगते हैं। जैसे ही आप इस शांत परिदृश्य से गुजरते हैं, आपको एहसास होता है कि नकारात्मकता और दर्द की सभी कटीली झाड़ियाँ जो आपको रुलाती थीं, सूख गई हैं और आपके चारों ओर मौजूद सकारात्मकता की उज्ज्वल ऊर्जा का सामना करने में असमर्थ हैं। सूरज तेज चमक रहा है, हवा में मीठी खुशबू आ रही है और आपका दिल शांति और संतुष्टि की भावना से भर गया है। ये जानकर कि अतीत के अंधेरे को वर्तमान की चमक और एक उज्जवल कल के वादे से बदल दिया गया है। और महादेव जी ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने विश्वास किया है वैसा ही तेरे लिए भी हो। और सेवक उसी क्षण चंगा हो गया। इसे प्राप्त करने के लिए 1111 पर टिप्पणी करें। मेरे साथ पूजा करो, महादेव जी, आपने मुझे जो आशीर्वाद और दया दी है
उसके लिए धन्यवाद। आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। जैसा कि हम एक नया महीना शुरू कर रहे हैं, मैं पूजा करता हूँ कि हे भगवान, आप मेरे विचारों को आप पर केंद्रित करने में मेरी सहायता करेंगे और आप में से किसी को भी जाने देने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। विकर्षण जो आपके साथ मेरे संबंध में हस्तक्षेप कर सकते हैं, मुझे तुमसे प्यार करना सिखाओ और अपना ध्यान तुम पर केंद्रित करने में मेरा मार्गदर्शन करो। मुझे मेरे पापों से शुद्ध करें और ऐसी किसी भी चीज को छोड़ने में मेरी सहायता करें जो आपके पवित्र नाम पर अच्छा प्रभाव नहीं डालती है। भगवान केंद्रित जीवन जीने में मेरी सहायता करें। मैं जो कुछ भी करूं उसमें अपनी पवित्र आत्मा को मेरा नेतृत्व करने की अनुमति दें। इसे एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में काम करने दें कि चाहे कुछ भी हो, हमेशा आपको पहले रखें। मुझे आपके वचन का अधिक गहराई से अध्ययन करने और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और समझ प्राप्त करने में मदद करें। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती तो कृपया मुझे याद दिलाएं कि मेरे लिए आपकी योजना मेरी इच्छा से बेहतर है। जैसे जैसे प्रत्येक दिन बीतता है, कृपया मेरे महादेव जी के नाम तथास्तु। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल गॉड इट्स को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इसे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।